हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा का दो एमसीक्यू बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ये देखते हैं, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यू। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टू टपल्स वाला वेक्टर स्पेस से थ्री टपल्स वाला वेक्टर स्पेस में, और वन जीरो का इमेज है टू कॉमा थ्री कॉमा वन, और वन वन का इमेज जो है वो थ्री कॉमा जीरो कॉमा टू है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई का कौन सा वैल्यू होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिएगा। ये आर स्क्वायर से आर क्यू में एक वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आर स्क्वायर से आर क्यू मतलब टू टपल से थ्री टपल्स में ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पर वन जीरो का इमेज दिया हुआ है। देखिए वन जीरो का इमेज क्या है, टू कॉमा थ्री कॉमा वन है, और फिर वन वन का भी इमेज दिया हुआ है। वन वन का इमेज दिया हुआ है क्या है, वन वन का इमेज है थ्री कॉमा जीरो कॉमा टू। अब एक्स वाई का क्या इमेज होगा ये पता करना है, एक्स वाई का इमेज। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये पूरा आप निकालिए नहीं, निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये इसको अगर डेफिनेशन लिया जाए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये डेफिनेशन लिया जाए तो क्या इसका इमेज ये इसका इमेज ये आता है या नहीं। अगर आ जाता है इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये आ जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल ऑप्शन ट्रू होगा, यहाँ पर वन ही एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला को। फर्स्ट वाला अगर हम लोग लेते हैं तो वन जीरो का इमेज इतना आना चाहिए, अगर ये डेफिनेशन लेते हैं तो क्या आता है या नहीं। वन जीरो का इमेज चेक कीजिए, एक्स के जगह वन बैठाएंगे, वाई के जगह जीरो बैठाएंगे। देखिए वन और जीरो, तो एक्स के जगह वन वाई के जगह जीरो बैठाएंगे तो ये वन हो जाएगा। एक्स के जगह वन बैठाएंगे वाई के जगह जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू आ जाएगा। खैर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पर देख लिए हम लोग कि वन जीरो का जो इमेज आ रहा था टू कॉमा थ्री कॉमा वन था, तो फर्स्ट कंपोनेंट टू था और यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसका मतलब ये तो ट्रू नहीं होगा। फिर हम लोग सेकेंड डेफिनेशन लेकर के चलते हैं, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। तो एक्स के जगह वन और वाई के जगह हम लोग जीरो बैठाते हैं डेफिनेशन में, तो टू इंटू वन प्लस जीरो ये टू हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक्स के जगह वन बैठाएंगे थ्री और वाई के जगह जीरो बैठाएंगे तो थ्री माइनस जीरो थ्री आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट भी मैच कर गया। यहाँ पर एक्स के जगह वन बैठाएंगे वाई के जगह जीरो बैठाएंगे तो ये वन आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही है, वन जीरो का इमेज टू कॉमा थ्री कॉमा वन आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वन वन का भी इमेज इतना आना चाहिए, तो इसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग, वन वन का इमेज इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर एक्स के जगह वन बैठाएँ तो टू इंटू वन टू हो जाएगा और प्लस वन ये थ्री हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट अभी मैच कर रहा है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो एक्स के जगह वन और वाई के जगह जीरो बैठाएंगे तो थ्री सॉरी एक्स के जगह वन और वाई के जगह भी वन बैठाना है तो थ्री माइनस थ्री जीरो आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट भी मैच कर गया। अब यहाँ पर एक्स के जगह वन और वाई के जगह वन बैठाएंगे, वन प्लस वन टू, थर्ड कंपोनेंट भी मैच कर गया। तो इसका मतलब ये भी इसका भी इमेज जो है वो इतना आ गया। तो सेकेंड अगर लेते हैं तो सेकेंड लेने से इसका भी इमेज ये आ रहा है, ये इसका भी इमेज ये आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अब आगे हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंगल ऑप्शन वाला सवाल है तो, अगर मल्टीपल ऑप्शन वाला सवाल है तो फिर आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़ा आसानी से बन जाएगा, बहुत कम समय में ये वेरीफाई करके हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको निकालना पड़े, अगर इसको पूरा डेफिनेशन से हम लोग इसका टी ऑफ एक्स वाई को डिफाइन करना चाहें इसके हेल्प से, तो वो काफ़ी लंबा होता है। तो उस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में करना नहीं, ये ट्रिक हो गया, आप वेरीफाई करके चेक कर लीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यू टू आर टू द पावर फोर, थ्री टपल्स से फोर टपल्स में डिफाइंड हो रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हुज इमेज इज जनरेटेड बाय दिस, जिसका इमेज जो है वो ये दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो इज, अब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जरा क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर आर क्यूब है थ्री टपल्स है और आर टू द पावर फोर में डिफाइंड हो रहा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अभी पता नहीं कैसे डिफाइंड हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर एक्स वाई जेड ले लें, ये थ्री टपल्स होगा, आर क्यू का मेम्बर है,
तो इसका जो इमेज यहाँ पर आएगा टी ऑफ एक्स वाई जेड, इसका इमेज हो गया ये इमेज जो है वो आर टू द आर फोर का है, मतलब ये फोर टपल्स आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो फोर टपल्स आएगा। क्वेश्चन कहता है कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हुज इमेज इज जनरेटेड बाय दिस, इमेज इससे जनरेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका जो इमेज आएगा वो इसी दोनों एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा। इससे जनरेट होने का मतलब है कि जो इमेज आ रहा है वो इसी के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यही दोनों एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर है। ए इंटू वन कॉमा टू कॉमा जीरो कॉमा माइनस फोर प्लस बी इंटू टू कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, ये दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर इमेज है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप इसको ऐड करें मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, देखिए ए से मल्टीप्लाई होगा यहाँ और यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस टू बी हो जाएगा, ए प्लस टू बी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे टू ए और यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो जीरो, तो सिर्फ यहाँ पर टू ए आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस फोर ए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस थ्री बी। इसका मतलब टी ऑफ एक्स वाई जेड जो है उसका वैल्यू इसी के बराबर आएगा, जहाँ ए बी क्या होगा, ए बी कोई भी फील्ड का मेंबर है, फील्ड का मतलब मेंबर है मतलब यहाँ पर रियल नंबर होगा क्योंकि इसका जो फील्ड है वो तो रियल नंबर होता है। अब जरा देखिए आगे ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कौन सा डेफिनेशन होगा, तो ऐसा करते हैं मान लेते हैं पहले फर्स्ट वाला हम लोग एक एक करके वेरीफाई करेंगे, मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला अगर लिया जाए डेफिनेशन तो ये ट्रू होगा या नहीं। तो 100 ये थ्री टपल्स है यहाँ इसका मेंबर होगा, तो इसका इमेज निकालते हैं फर्स्ट वाला डेफिनेशन से, क्या इमेज आएगा देखिए, एक्स के जगह वन वाई के जगह जीरो जेड के जगह जीरो, तो एक्स के जगह वन वाई के जगह जीरो यहाँ पर तो वन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के जगह वन और यहाँ पर वाई के जगह जीरो और एक्स के जगह वन वाई के जगह जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर, ये इमेज आ रहा है। अब जरा देखिए इसका किसी भी एलिमेंट का इमेज तो इस तरीके से एक्सप्रेस होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड लेते हैं तो उसका इमेज इस तरीके से एक्सप्रेस होना चाहिए, तो ये 100 का भी इमेज जो आया है वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए अब ये दोनों अगर इक्वल करते हैं तो ये क्या ट्रू होगा या नहीं होगा, जरा सिर्फ सोचिए, 2a के जगह 1 हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट के बराबर, थर्ड कंपोनेंट के बराबर, तो 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और b इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस b इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a के जगह 1/2 और b के जगह 0 बैठाया जाए, इसमें बैठाया जाए तो ये फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर आएगा, a के जगह 1/2 बैठाते हैं और b के जगह 0 बैठाते हैं तो ये तो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब 1 के बराबर नहीं आएगा, तो ये किसी भी एलिमेंट का इमेज इसी फॉर्म में होता है, तो ये इसका भी इमेज जो है वो इसमें आना चाहिए। अगर हम लोग दोनों इक्वल कर देते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसको बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं, ए बी का वैल्यू निकालते हैं, अब यहाँ पर पुट करते हैं तो दोनों इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा। ये कब ट्रू हो सकता है, देखिए ये जो है 2a इक्वल टू अगर यहाँ पर 1 कर देते हैं तो a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू आ गया 0, तो ये तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। अगर हम लोग सेकेंड वाला लेते हैं तो सेकेंड वाला में अंतर क्या होगा, सेकेंड वाला में लेते हैं तो यहाँ पर x के जगह माइनस एक्स है और माइनस वाई के बदले वाई है, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको हम लोग लेते हैं तो 100 का अगर इमेज निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1-0 1 आएगा, यहाँ पर x के जगह -1 y के जगह 0 बैठा देंगे और यहाँ पर x के जगह -1 और y के जगह 0, सिर्फ ये अंतर है, इसका साइन यहाँ पर चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, बाकी ये दोनों तो सेम है। अगर ये भी काम करते हैं तो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू उस केस में हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 और a का वैल्यू आ जाएगा -1/2 और b का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, तो a का वैल्यू -1/2 और b के जगह 0 बैठाएं, इसमें अगर बैठाते हैं तो फिर 1 के बराबर नहीं आएगा, a का वैल्यू -1/2 b के जगह 0 बैठाते हैं तो 1 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब सेकेंड वाला भी ट्रू नहीं होगा। थर्ड वाला भी इसी तरीके से ट्रू नहीं होगा क्योंकि थर्ड वाला में ये देखिए सेम है और यहाँ पर चेंज है,
यहाँ पर चेंज है, तो ये भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरीके से ए का वैल्यू आ जाएगा, माइनस वन बाई टू बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे तो यहाँ पर वाई के जगह तो जीरो ही है, यहाँ पर तो वन ही रह जाएगा, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। अगर फोर्थ वाला लिया जाए, थर्ड वाला भी नहीं करेगा, फोर्थ वाला लेते हैं तो फोर्थ वाला में क्या होगा, जरा सोचिए। फोर्थ वाला में एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। x के जगह 1 और y के जगह 0 और z के जगह 0, ये इसका इमेज निकालना चाह रहे हैं हम लोग इस डिफिनेशन से 1 0 0 का। तो x के जगह 1, y के जगह 0, ये 1 हो जाएगा। x के जगह 1 बैठाएंगे तो 2 हो जाएगा, y के जगह 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। x के जगह 1 बैठाएंगे, y के जगह 0 बैठाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट का इमेज इतना है, 1 0 0 का भी इमेज इसी फॉर्म में आएगा। ये दोनों इक्वल अगर करते हैं, ए बी सी का, ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2a इक्वल टू 2, यहाँ से 2a इक्वल टू 2 करते हैं तो यहाँ से a का वैल्यू 1 हो गया और b इक्वल टू 0। अब ये बैठा करके देखिए, यहाँ पर a के जगह 1 बैठाते हैं और b के जगह 0 बैठाते हैं, तो 1 और यहाँ पर 0 ये आ जाएगा। a के जगह 1 बैठाएंगे, b के जगह 0 बैठाएंगे तो माइनस 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाता है। ये दोनों को इक्वल करते हैं तो जो चार इक्वेशन आएगा, वो चारों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ए का वैल्यू जो निकला और बी का वैल्यू जो निकला, वो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चार इक्वेशन कौन कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, ए प्लस टू बी इक्वल टू 1, फिर 2a इक्वल टू 2, और फिर माइनस बी इक्वल टू 0, और फिर माइनस 3b इक्वल टू माइनस 4। ये a और b का जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, वो इस दोनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरा डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि वेरीफाई, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि वेरीफाई करके देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, वो ज़्यादा आसान होता है। और अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दिखाएंगे हम लोग इसका बेसिस है। बेसिस दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और फिर ये जो है वो आर स्क्वायर को जनरेट करता है। तो ये बेसिस दिखाएंगे। अब बेसिस के हेल्प से फिर हम लोग टी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है और इस तरीके से बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए है, आपका ITGM हो गया या नेट वगैरह का एग्ज़ाम या गेट वगैरह का एग्ज़ाम में ये आपका आता है। तो जो भी स्टूडेंट ITGM की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, ये MCQ का एक सीरीज चल रहा है, आप इसको देखते रहिए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।